हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दे रखा है कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री 5x² - 2xy + 5y² + 2x - 10y - 7 = 0 रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो इक्वेशन ये दे रखा हुआ है, इसको आपको प्रूव करना है कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, तो आइए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर दिया है दोस्तों गिवन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो यहाँ पर ये दोस्तों इक्वेशन 5x² - 2xy + 5y² + 2x - 10y - 7 = 0। ये दोस्तों इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपेयर द अबव इक्वेशन विथ। दोस्तों जो ये ऊपर वाला इक्वेशन है, इसको हमें जो है इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। दोस्तों ये जो ऊपर वाला इक्वेशन हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, हमको इसको इससे कंपेयर करना है और यहाँ से ahbgfc की वैल्यूज़ जो है हमको यहाँ से फाइंड करनी है। तो यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा वी गेट, यहाँ से दोस्तों ए की वैल्यू यहाँ से आपको 5 मिल जाएगी, एच की वैल्यू आप दोस्तों यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 2h = यहाँ पर 2h = आपको यहाँ पर -2 मिलेगा, तो एच की वैल्यू यहाँ से आपको -1 मिल जाएगी। ओके, यहाँ से दोस्तों आप y² कोएफिशिएंट का जो है कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से आपको b की वैल्यू यहाँ से आपको 5 मिल जाएगी। ओके, यहाँ से आप 2g को यानी x के कोएफिशिएंट को इसके साथ कंपेयर कराएंगे तो दोस्तों यहाँ से आपको 2g = 2 मिलेगा, तो यहाँ से आपको g की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ओके, यहाँ से दोस्तों आप y की कोएफिशिएंट का यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2f = -10 और f की वैल्यू -5 मिल जाएगी। ओके, और उसी तरीके से यहाँ से हम c को जब हम यहाँ से कंपेयर करवाते हैं तो यहाँ से हमको -7 मिल जाता है। ओके, तो दोस्तों जो ट्रायंगल का फार्मूला होता है तो वो होता है कि यहाँ से ट्रायंगल = ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² ओके, तो यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यूज़ जो है इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ से A की वैल्यू 5 है, इंटू B की वैल्यू यहाँ से दोस्तों 5 है, और C की वैल्यू यहाँ से दोस्तों -7 है, फिर यहाँ से दोस्तों 2 × f की वैल्यू -5 है, और फिर यहाँ से g की वैल्यू दोस्तों 1 है, और h की वैल्यू यहाँ से दोस्तों -1 है। ओके, और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं तो अभी यहीं से मिक्स हो जाएगा। माइनस यहाँ से दोस्तों a की वैल्यू 5 है और f की वैल्यू दे रखी है -5, तो इसका स्क्वायर करना है हमें, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस g की वैल्यू 1 है, तो फिर 1 का स्क्वायर है
और उसके बाद फिर माइनस सी की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों दे रखा है कि -7, तो यहाँ पर इसको भी माइनस में कर लेते हैं। एच का स्क्वायर, एच मीन्स होता है -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू -175 मिल जाएगा, और यहाँ से आपको 10 मिल जाएगा, और यहाँ से दोस्तों आपको -125, और यहाँ से -5, और यहाँ से 7 मिल जाएगा। ओके, और यहाँ से आपको दोस्तों इसकी वैल्यू मिल जाएगी -288, जो कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम इसके बाद एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों एच की वैल्यू दे रखी हुई है -1, तो यहाँ से -1 का होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 5 है, एंड बी की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 5 है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से 1 और -25 मिल जाएगा, और ये कि -24 जो माइनस में आया वैल्यू, ये दोस्तों 0 से काफ़ी जो है छोटी है, और जब ये छोटी है तो यहाँ से दोस्तों एच स्क्वायर जो है वो ए बी से बहुत छोटा होगा। तो इसलिए इस कंडीशन पे हेंस द गिवन इक्वेशन इज एन इलिप्स। यहाँ से दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि जब यहाँ से इसकी वैल्यू 0 से काफ़ी छोटी आएगी तो जो रिक्वायर्ड यहाँ पर इक्वेशन रहेगा वो हमेशा जो है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से दोस्तों ये कंडीशन आपको याद रखना है, जब एच स्क्वायर ए बी से काफ़ी छोटा हो, स्मॉलर देन हो, तो ये होता है इलिप्स। ये आपका प्रूव हो गया। अब दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सेकेंड जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि सो दैट द इक्वेशन 8x² + 8xy + 2y² + 16x + 13y + 15 = 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो दोस्तों हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि ये जो है इक्वेशन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है दे रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है गिवन है हम लोगों को 8x² + 8xy + 2y² + 26x + 13y + 15 = 0। तो दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम इसे भी कंपेयर द अबव इक्वेशन विथ। तो दोस्तों हम लोग इसको भी ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 से कंपेयर कराएंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपको वी गेट यहाँ से मिलेगा दोस्तों आपको a = 8, और यहाँ से आप एच की वैल्यू निकालोगे 2h = 8 मिलेगा। इस एक्स इंटू वाई के कोएफिशिएंट को इससे कंपेयर कराना है तो 2h = 8 मिल जाएगा, तो एच की वैल्यू 4 मिल जाएगी दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से आपको y² के कोएफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 2। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप x की वैल्यू को यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से 2g = 26 मिल जाएगा, और g की वैल्यू यहाँ से आपको यहाँ से 13 मिल जाएगी। ओके, और फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से सिंपली कंपेयर करवाना है y की कोएफिशिएंट का, तो यहाँ से दोस्तों 2f = 13 हो जाएगा, तो f की वैल्यू 13/2 हो जाएगी। ओके, और उसके बाद यहाँ से दोस्तों c की वैल्यू कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से सी जो है वो 15 है। यहाँ से दोस्तों आपको ए की वैल्यू 8 मिल गई, एच की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 13, एफ की वैल्यू 13/2 और सी की वैल्यू 15 मिल गई। तो दोस्तों हमें फिर से यहाँ पर ट्रायंगल के फार्मूले में रखना है, जो ट्रायंगल इज़ इक्वल टू
इंटू बी इंटू सी प्लस टू एफ इंटू जी इंटू एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अब हम सबकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है 8 है, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू दोस्तों 15 है, प्लस 2 इंटू एफ़ की वैल्यू दे रखी है दोस्तों यहाँ पर 13/2। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही हम सबकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और यहाँ पर -8 इंटू 13/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू 13 का होल स्क्वायर -15 इंटू 4 का होल स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ से सॉल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 214 प्लस 676 माइनस 338 अगेन 338 और माइनस 240 इक्वल टू 0 मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपका सबको ऐड करेंगे और फिर यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाती है 0, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और उसके बाद दोस्तों जब यहाँ से एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जो है 0 हो जाती है तो फिर ये होता है कि हैंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। सॉरी, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट की बात हो रही है तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, ये प्रूव होता है दोस्तों जब ट्रायंगल के फार्मूले को निकालने के बाद उसमें सब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जब वहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो जाती है तो वहाँ पर ये कंडीशन बनता है कि जो इक्वेशन हमको गिवन रहता है वो हमेशा जो ए पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।